चलिएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा था कौन सा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर की संरचना है ना। तो अब इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो सामने स्क्रीन पर जो चीज आपको दिख रही है वो क्या है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर जो डब्बा दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर सीपीयू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको हम सीपीयू नहीं कहते हैं। यही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि इसको हम सीपीयू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ठीक है, तो सर हम सीपीयू बोलते किसको हैं? अब उसी पर चर्चा करते हैं, उसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीपीयू बोलते किसको हैं। तो आपको अपने सामने एक पिक नजर आ रही होगी जिसमें आपको दिख रहा है सीपीयू की चिप है, एक सीपीयू की चिप है, उसके अलावा एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और एक रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको दिख रही हैं कि ये कैसी दिखती हैं, है ना। तो वो चीज आपको देख लीजिए। उसके अलावा आगे की बात करते हैं कि भाई ये सीपीयू की चिप है तो ये लगती कहां पर है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारी चीजें कहां पर फिट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें कहां पर होती हैं? कैबिनेट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो हम आगे की चर्चा करते हैं, जरा कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई बस है, बस क्या करती है? हमारा डाटा ट्रांसफर करती है, डाटा ट्रेवल करता है बस के थ्रू। ठीक है, डाटा या फिर हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है किसके थ्रू? बस के थ्रू, जो कि हमें जो कि किस वजह से ले जाती है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंफॉर्मेशन को, डाटा को इधर से उधर ले जाती है ना, ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो ये बसें होती कितनी तरह की हैं? ये जो बस है ये कितने प्रकार की होती हैं? तो मेरे बच्चों ये प्रकार हमारी होती हैं कितनी? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की जब हमारी बसें हैं तो उनका नाम क्या क्या डाला? तो भाई तीन प्रकार की बसों का जो नाम डाला हमारा, पहला हमारा क्या है? एक एड्रेस बस, जो कि एड्रेस करती है। उसके बाद हमारा क्या है? डाटा बस है, डाटा बस। एंड लास्ट वन क्या है हमारा? कंट्रोल बस। तो इनका काम क्या क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कि इनका काम क्या क्या होता है? देखो, जो हमारी डाटा बस है तो वो क्या है? से नॉर्मल हमारा डाटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, डाटा बस से क्या होगा? डाटा ट्रांसफर होगा हमारा। ठीक है, वो एड्रेस बस क्या है? एड्रेस करेगी उसे, है ना, कि वो डाटा एक्चुअल में पड़ा कहां पे हुआ है ना, किस जगह पर रखा हुआ है वो डाटा, तो उसको एड्रेस करेगी, है ना। आपको मेल आता है, फैक्स आता है ना, आपके घर पे मेल आता है, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी या कोई भी चीज आएगी, बैंक की पासबुक आती है, पासबुक तो चलो आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं, लेकिन बैंक से एटीएम आता है आपके घर पे, है ना। तो पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले क्या होता है, क्या आता है? आपका एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो आपने वो भी डायलॉग सुना होगा ना केजीएफ का, कि एड्रेस पे नहीं लैंडमार्क पे आता है, है ना, नाम से नहीं लैंडमार्क से आता है। तो यही चीज है कि भाई एड्रेस से आता है। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस को क्यों कौन देखता है? एड्रेस बस। ठीक है, कि ये किस जगह पर रखा हुआ है। उसके बाद आता है आपका क्या? कंट्रोल बस। तो ये कंट्रोल बस का काम क्या होता है? तो ये क्या है, इनको कंट्रोल करती है कि भाई डाटा ट्रांसफर ट्रेवल हो रहा है, कहां से कहां जाएगा, है ना, वो कहां पर रखा गया है, है ना। तो सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बस। ठीक है, तो ये चीज थी कि भाई तीन टाइप्स है हमारी बस की, क्या है? डाटा बस जो डाटा ट्रेवल करती है, एड्रेस बस जो एड्रेस करती है, वो कंट्रोल बस जो इन सब सारी कार्रवाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सामने क्या दिख रहा है? हमारा एक पिक्चर दिख रही है जो कि हमारी क्या है? मदरबोर्ड। ठीक है, वो हमारी जो पिक्चर दिख रही है आपको वो क्या है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि क्या हमारा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज क्या है? कौन सा पोर्शन है? सीपीयू की साइड वाला, है ना, सीपीयू के साइड वाला जो भाग है वो क्या है हमारा? नॉर्थ ब्रिज कहलाता है। ठीक है, सीपीयू सॉकेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको सीपीयू सॉकेट दिख रहा होगा, कैसा कैसे दिख रहा है आपको सीपीयू सॉकेट? इस तरीके का। ठीक है, सीपीयू सॉकेट दिख रहा है इस तरीके का। उसके अलावा उसमें क्या लगता है आपका? सीपीयू, सीपीयू चिप लगेगी, इसी में लगेगी, वो सीपीयू जो लगेगी इसी में लगेगी। ठीक है, उसके अलावा
उसके अलावा देखिएगा उसके साइड वाले जो भाग होता है उसको हम नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं, जो कि आपको पिक्चर में मेंशन है। उसके बाद साउथ ब्रिज क्या होता है, साउथ ब्रिज में आपको दिख रहा है जो वो भाग है ना, वो भाग है जहां पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपकी क्या होती है, कनेक्ट होती है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कनेक्ट होती है, जहां पर वो काफी सारे पोर्ट्स लगे होंगे, जैसे कि यूएसबी पोर्ट, सिंपल आपको यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट से आप क्या करते हैं, अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये है हमारा क्या, साउथ ब्रिज। अब साउथ ब्रिज के बाद हम बात करते हैं क्या, आईडीई कनेक्टर, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है आईडीई कनेक्टर, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी फुल फॉर्म है आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और ये क्या है आपका, हार्ड डिस्क कनेक्टर है। ये क्या है आपका, हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। ये वो जगह है जहां पर आपकी क्या है, हार्ड डिस्क लगती है। हार्ड डिस्क आप जानते हैं, एक आपकी हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के अंदर पहले से ही सेट होती है, और एक आप बाहर से एक्सटर्नल लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसलिए अपनी स्पेस बढ़ाने के लिए, है ना, स्टोरेज डिवाइस को, मतलब स्टोरेज स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो ये चीज क्या है भाई, कहां पर लगती है, तो आप जानना चाहेंगे एक बार कि भाई ये चीज दिखती कैसी है ना, कहां पर लगती है आपकी हार्ड डिस्क। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार स्क्रीन पर लगा देता हूं, देखिएगा ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी में हमारी क्या लगती है, हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीज कहां पर लगी होती है, मदरबोर्ड में, है ना। उसके बाद ये क्या, यहां पर क्या होगी, हार्ड डिस्क आपकी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, पावर कनेक्टर की। एटीएक्स पावर कनेक्टर को दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके का दिखता है। देखिएगा सबसे पहली बात की, एटीएक्स पावर कनेक्टर जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, एटीएक्स की फुल फॉर्म होती है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या होती है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड कनेक्टर, एक्सटेंडेड कनेक्टर। ठीक है, तो भाई ये क्या है आपका, ये किसकी फुल फॉर्म है आपकी, एटीएक्स पावर कनेक्टर, मतलब कि एटीएक्स की फुल फॉर्म है। तो अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये जो है कि इसमें कितनी पिन लगी होती हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले हमारी 20 पिन आती थी, 20 पिन्स का कनेक्टर होता था ये एटीएक्स पावर कनेक्टर, और अब ये क्या है, अब ये 20 से बढ़कर के किस में बदल गया है, 24 पिन, है ना, 24 पिन्स कनेक्टर बन गया ये। तो अभी इसमें 24 पिन होती हैं। ठीक है, तो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम किस पर चर्चा करते हैं, डी रैम पर। देखिएगा डी रैम का मतलब क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो भाई डी रैम होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसकी खासियत क्या है, कि कहां कहां पर यूज होती है, ये सारी चर्चा हम कहां करेंगे, आगे के टॉपिक में, जहां पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस पढ़ाऊंगा, वहां पर हम इस क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस पढ़ाऊंगा, तब मैं हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो एक बार वो देख लेते हैं, कनेक्टर्स फॉर पेरिफेरल्स। ठीक है, जो आपको पिक दिख रही है ये किस चीज के लिए है, कनेक्टर्स है, आपको बहुत सारे कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे बाहर के आउटसोर्स को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर्स दिए गए हैं, बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बाहर के आउटसोर्स जो है अपने सीपी से, मतलब कि पीसी से कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी पोर्ट्स के बारे में जानते हैं कि भाई कौन सा पोर्ट किस लिए होता है, कितनी पिन होती है ना, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले क्या हम थोड़ी सी बातें और जान लें, कहो तो डिस्कस कर दें, चलिएगा। तो देखते हैं हम सीमोस बैटरी को। देखिए सीमोस बैटरी आपका जो गोल गोल सर्कल दिख रहा है ना, वो आपकी क्या है, बैटरी है, सीमोस बैटरी, जो आपकी कहां पर देखने को मिलती है, आपकी जो घड़ी की सेल है ना, आपकी वॉच है, क्या है, आपकी वॉच है। तो आपकी जो घड़ी है उसमें एक सेल डलती है जो कि सीमोस बैटरी होती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, एक सेल होती है, कौन सी, सीमोस बैटरी, है ना, सीमोस बैटरी उसके अंदर भी होती है, जो क्या काम करती है भाई, एक बात बताओ, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, उसके बाद कभी भी चलाओ और कभी भी ओपन करो, एक साल बाद, दो साल बाद, एक दिन बाद, दो घंटे बाद, ठीक है,
तो उसमें डेट और टाइम दिन सब कुछ क्या होता है उसके अनुसार होता है, जबकि वो तो बंद होता है ना, आप शट डाउन कर देते हैं उसे, सब कुछ बंद हो जाता है, बिजली उसे मिल नहीं रही, तो ऐसा क्या होता है कि वो आपको एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बताता है। तो वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसमें क्या है, उसमें लगी होती है सीमोस बैटरी। वो क्या करता है, कंप्यूटर की मतलब कि पीसी की, जो पीसी कहाँ पे लगी होती है, आपके कैबिनेट में लगी होगी, तो वहां पर क्या है ये उसकी सुई को चलाता रहता है, ठीक है, ये क्या करता है उसको चलाता रहता है। इसके अंदर क्या है, एक बायस नाम को प्रोग्राम फिट होता है। सीमोस बैटरी के अंदर क्या है, बायस नाम का एक प्रोग्राम फिट होता है। बायस नाम का फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपकी रोम के अंदर, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर लगी होती है, ठीक है, ये आपकी सिस्टम क्लॉक होती है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो अगर मैं सबसे पहले आपकी बात करूं कि सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म क्या है, सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म है भाई, सीमोस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सीमोस की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, एक रोम होगी, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर एक कौन सा होता है, बायस नाम का एक प्रोग्राम फिट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, जो क्या है घड़ी की मतलब की कंप्यूटर की क्लॉक को चलाए रखता है ना, जिसकी वजह से हम कभी भी ऑन करते हैं, 1 साल बाद 10 साल बाद कभी भी ऑन करें तो हमें एग्जैक्ट डेट टाइम सब कुछ क्या है सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लगातार अंदर ही अंदर अपना वर्क कर रहा है, वो कभी नहीं रुकता, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पीसीआई। तो दोस्तों पीसीआई क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, क्या होता है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद एक और चीज है, क्या है आपकी एजीपी, जो कि हम जो कि क्या बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो अब आपके हम डिस्कस करने वाले हैं क्या पोर्ट्स के बारे में, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कितने तरह के पोर्ट्स हैं, किससे किस पोर्ट्स, कौन सा पोर्ट किसके लिए है, है ना भाई, आपका कीबोर्ड के लिए कौन सा है, माउस के लिए कौन सा है, हार्ड डिस्क के लिए कौन सा पोर्ट है, है ना, और उसका पेंडर के लिए कौन सा पोर्ट है, पहले कौन से लगते थे अब कौन से लगते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा चर्चा करने से पहले एक चीज और देख लीजिएगा, देखो ये आपका क्या है मॉनिटर, ये आपका क्या है मॉनिटर। तो यहां पर जो चीजें आती हैं वो कहां से आती हैं, ये जो आपके मॉनिटर पर जो चीजें शो होती हैं ये कहां से आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है इनपुट मिलता है, क्या मिलता है इनपुट मिलता है, ठीक है, इनपुट मिलता है कहां पर, सीपीयू में इनपुट मिलता है, सीपीयू में, सीपीयू यानी कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये आपका कैबिनेट नहीं है, ये सीपीयू है जो मैंने अब आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये क्या है देता है हमें आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, यहां पर क्या होता है प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, यहां से इनपुट मिलेगा सीपीयू को, सीपीयू में क्या होगी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो आगे क्या भेजेगा आउटपुट भेजेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है आपका, यहां पर आएगा क्या आपका ग्राफिक कार्ड, इन्हीं के बीच में क्या आ जाता है आपका ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड के बाद आपका जो डाटा होगा जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी कहां पर शो होगी, आपके मॉनिटर पर, जो कि आपको दिखती है, ठीक है। तो ये काम करने का तरीका क्या है, डाटा कहां से आता है कहां जाता है, ठीक है भाई, सीपीयू में आया प्रोसेसिंग हुई ग्राफिक कार्ड से होते हुए कहां पर आया आपका मॉनिटर पर, आपको शो हो गया डाटा, ठीक है। चलिएगा पहला पोर्ट जो है हमारा, अगर मैं पोर्ट्स में बात करता हूं तो फर्स्ट पोर्ट है हमारा क्या है, पी एस अपॉन टू। तो इसमें क्या है, ये जो पोर्ट है इसमें क्या है हमारे टोटल 6 पिन्स है, कितनी पिन है 6 पिन्स, जैसा आपको दिख रहा है आप पिन को गिन सकते हैं कितनी पिन है 6 पिन्स है, ठीक है, 6 पिनों का ये पोर्ट होता है, ठीक है।
कौन कौन से कलर का होता है भाई? अगर मैं आपको बात करूं तो क्या कीबोर्ड की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं कीबोर्ड का कलर होता है ना, जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें अगर मैं कीबोर्ड के पोर्ट की बात करूं तो भाई पिन तो 6 ही होंगे, तो कीबोर्ड का कलर क्या होता है? पर्पल। ठीक है, कीबोर्ड का पोर्ट जो होता है जिसमें हम कनेक्ट करते थे है ना, तो वो क्या होता था? कलर पर्पल होता था। जबकि माउस का कलर क्या होता था? माउस वाला जो पोर्ट होता था उसका कलर होता था क्या? ग्रीन। ठीक है, माउस वाले पोर्ट का कलर क्या होता था हमारा? ग्रीन होता था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात करें? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होती है हमारी? देखो सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल पिन, नंबर ऑफ पिन कितनी है हमारी? 9 पिन। ठीक है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, कितनी पिन हमारी टोटल नंबर ऑफ पिन? 9 है, आप गिन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट हमारा कौन सा है? ईथरनेट पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? ईथरनेट पोर्ट। तो भाई ईथरनेट पोर्ट जिसमें आपका क्या, कौन सा पोर्ट होता है? ये इंटरनेट का पोर्ट होता है। किसका पोर्ट होता है? इंटरनेट के लिए है ना, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए पोर्ट होता है ये। ठीक है, हम उसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं? और लैन वायर। ठीक है, इंटरनेट या फिर हम बोल सकते हैं लैन वायर, लैन वायर। तो भाई लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म होती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हम नेटवर्क में डिस्कस करेंगे कि भाई लैन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये क्या है, लैन वायर भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या है? टोटल 8 वायर्स होती हैं। कितनी वायर्स होती हैं? 8 वायर्स होती हैं, और 8 ही हमारी क्या होती है? पिंस होती हैं। ठीक है, 8 वायर्स और 8 ही पिंस होंगी इसमें। ठीक है, इसमें इथरनेट पोर्ट में। उसके अलावा इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसके अलावा, क्या नाम है इसका? RJ4S कनेक्टर। 4S है या 45 कनेक्टर है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 4S है या 45 कनेक्टर है ये आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 4S कनेक्टर है। ठीक है, उसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? RJ4S कनेक्टर रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर जैक। ठीक है, तो जब इसकी बात हो गई तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्ट क्या है आपका भाई? यूएसबी पोर्ट पर आने से पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं, क्या? वीजीए पोर्ट। जब मैं वीजीए पोर्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले की बात आपके सामने आती है कि भाई वीजीए की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजीए क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी दी है ना? इस पोर्ट में नंबर ऑफ पिंस टोटल कितनी होती है? 15 पिंस। कितनी होती है? 15 पिंस। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यूएसबी पोर्ट की, है ना, जिस चीज के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज भी होगी है ना, उसके बारे में आप चर्चा करने में आपको ही बड़ा आनंद आएगा। तो जब यूएसबी पोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है ना? यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये बात वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, यूएसबी की फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। लेकिन आपको एक बात, बहुत ही बेहतरीन चीज जो है कि भाई ये आपकी क्या है, डेली लाइफ में यूज होता है। आपका जो फोन का कनेक्टर होता है आज के टाइम पर क्या आता है? टाइप सी कनेक्टर। इससे पहले टाइप ए कनेक्टर भी यूज करते थे, आप टाइप बी कनेक्टर भी यूज करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? टाइप ए। क्या आता है आपका? यूएसबी टाइप ए। जब आप यूएसबी टाइप ए कनेक्टर की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पिंस आपकी कितनी थी? 4 पिंस। कितनी थी? 4 पिंस, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूएसबी टाइप बी। जब आप टाइप बी की बात करते हैं तो इसमें भी कितनी थी आपकी नंबर ऑफ पिंस? 4 पिंस।
नंबर ऑफ पिन कितनी थी, 4 थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यूएसबी मिनी ए, क्या है, यूएसबी मिनी ए। तो जब यूएसबी मिनी ए आया तो उसमें नंबर ऑफ पिन कितनी रही है हमारी, 5 पिन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया, यूएसबी मिनी बी। जब मिनी बी आया तो उसमें भी आपकी पिन कितनी रही, 4 और 5। कुछ में ये इसकी संख्या 4 थी और कुछ में 5, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं यूएसबी माइक्रो ए, किसकी, यूएसबी माइक्रो ए। जब ए की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पिन कितनी थी, 5। कितनी नंबर ऑफ पिन थी, 5। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं, है ना, अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि भाई यूएसबी माइक्रो ए आपको पिक्चर में दिख रहा है कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसबी माइक्रो बी। जब बी की बात करता हूं तो इसमें भी हमारी नंबर ऑफ पिन कितनी रही, 5। इन सभी बातों के बाद, इन सभी बातों के बाद आपको सामने एक बात निकल कर के आई कि भाई ये जो है हमारी पहली जो वो थी, पहले जो हमारे पोर्ट आते थे उसमें क्या है भाई, अगर आप सीधा लगा रहे हैं तो वो लग जाता था, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगता था। आपको देखना पड़ता था पहले, है ना, अपने जैक में देखना पड़ता था कि भाई मैं सही लगा रहा हूँ कि गलत लगा रहा हूँ, है ना। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम से समाधान पाने के लिए उन्होंने क्या किया, टाइप सी का इन्वेंशन किया। किसका, टाइप सी का इन्वेंशन किया। आप उसको सीधा लगाओ या उल्टा लगाओ, तो अब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कि मैं सीधा लगा रहा हूँ कि उल्टा लगा रहा हूँ। सीधा लगाओगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा, उल्टा लगाओगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ से सही है वो, ठीक है। तो आता है, अब आपका आता है यूएसबी टाइप सी। जब यूएसबी टाइप सी की, जो आज के टाइम पर आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, आपके स्मार्टफोन में जो अब यूज होता है वो क्या होता है, टाइप सी। तो उसमें कितनी पिन होती है आपकी, टोटल 24 पिन। टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी है आपकी, 24 पिन होती है जो आपकी टाइप सी के में यूज होती हैं, ठीक है। तो आप सभी ने ये सारी बातें जान ली। इनके अलावा और कौन कौन से पोर्ट आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अब आया आपका क्या, डीवीआई पोर्ट। डीवीआई पोर्ट, डीवीआई स्टैंड्स फॉर, सबसे पहली बात जो आपके सामने आती है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। क्या, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। देखिएगा DVI, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ठीक है। ये जो पोर्ट है डिजिटल वीडियो इंटरफेस जो पोर्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन आपकी कितनी रही, 24 पिन। 24 नंबर ऑफ पिन रही आपकी डिजिटल वीडियो इंटरफेस में। उसके बाद आता है आपका क्या, HDMI पोर्ट, ठीक है, HDMI पोर्ट। इसकी सबसे पहले वही बात आती है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितनी रही, 14। कितनी, 14 पिन्स, ठीक है। तो इसमें HDMI में आपकी टोटल नंबर ऑफ पिन्स रही 14 पिन्स। ये आपका बेसिकली आपका शायद से ये प्रिंटर में यूज होता है, ठीक है। ये आपका HDMI पोर्ट जो है किसके लिए यूज होता है, प्रिंटर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, डिस्प्ले पोर्ट। देखिएगा डिस्प्ले पोर्ट को, डिस्प्ले पोर्ट। तो नंबर ऑफ पिन्स कितनी रही इसमें, डिस्प्ले पोर्ट में आपको नंबर ऑफ पिन्स दिखाई दे रही है, आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें होती है 20 पिन्स, ठीक है, 20 पिन लगती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका RCA कनेक्टर, RCA कनेक्टर। तो जब आप RCA कनेक्टर की बात करते हैं, जैसा कि आपको मैं पिक्चर पिक साथ के साथ लगा रहा हूं, आपको दिख रहा है इसमें क्या है, 3 पिन्स,
ठीक है, इसमें कौन सी कितनी लगती है, 3 पिंस। तो आप जो टीवी टीवी देखते थे पहले, है ना, आप क्या है टीवी में जो कनेक्ट करते थे ना वायर, कि भाई एक क्या है और उसमें क्या 3 पिन होती थी, है ना, 3 पिन, ठीक है, एक आपकी येलो हो गई, रेड हो गई, ठीक है, एक तो येलो होती थी आपकी, एक रेड होती थी और एक व्हाइट होती थी। तो आप लोग क्या करते थे, जब आप टीवी खेलते थे या वीडियो गेम खेलते थे, तो आप क्या करते थे भाई, येलो वाली को येलो में लगा दिया, रेड को रेड में लगा दिया, व्हाइट को व्हाइट में लगा दिया, यही करते थे। और स्पीकर में भी ये चीज यूज होती थी, है ना, ये 3 पिन क्या स्पीकर में भी यूज होता था, जो बूफर होता था ना, जिससे वो सारे स्पीकर छोटे छोटे कनेक्ट होते थे, है ना, मेन जो होता था उससे कनेक्ट होते थे आपके 3 से 4 स्पीकर जो होते थे, तो उसमें भी कौन सी केबल यूज होती थी, यही वाली कनेक्टर यूज होता था, RCA 3 पिन होती थी, ठीक है, येल्लो में येल्लो लगा दिया, रेड में रेड लगा दिया, व्हाइट में व्हाइट लगा दिया, ठीक है, तो आपका कनेक्ट हो जाता था। उसके बाद देखिएगा ये आपका कहां पर यूज होता था, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीवी के पीछे पाई जाती थी ये चीजें, है ना, या फिर हम वीडियो में देख सकते हैं या फिर हम स्पीकर में भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ये कई जगह पर ये चीजें क्या है यूज हुई है, ठीक है। तो RCA कनेक्टर के बाद आती है भाई 3.5 mm की जैक, 3.5 mm जैक, 3.5 mm जैक जो है क्या है, एक सिंगल पिन, इसमें कितनी पिन होती है, 1 पिन, एक सिंगल पिन होती है, और ये क्या है आपकी हेडफोन जो होते थे ना, हेडफोन जो आप कनेक्ट करते थे, है ना, आपके जो हेडफोन आते हैं उसमें क्या होती है, एक सिंगल पिन होती है जिसको आप कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से, और आपका क्या है वो आपको आवाज आने लग जाती है, ठीक है। तो ये ऑडियो के लिए होती है, ये किस चीज के लिए होती है, वो एक पिन की होती है, और इसको क्या बोला जाता है, ऑडियो पिन, ठीक है, ऑडियो पिन बोला जाता है इसको। 3.5 mm का जैक होता है, ठीक है, जो आपके फोन में भी होता है, अब तो खैर वायरलेस आ रहे हैं स्मार्टफोन भी, जो वो चलते थे ना अभी भी चल रहे हैं वैसे, तो उसमें क्या है एक पिन के लिए एक स्लोट दिया होता था, जिसमें क्या है एक पिन लगती थी और आपका वो चल हो जाता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑडियो पिन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि आपके प्रेजेंट में, ये तो सारी चीजें वो थी जो पहले से लेकर अब तक चली आ रही हैं, कुछ हमने पहले की डिस्कस करी कि पहले के टाइम पे क्या क्या आया, है ना, और फिर अब क्या क्या चल रहा है ना, लेकिन अब हम बात करते हैं कि सिर्फ आज के टाइम की, है ना, कि प्रेजेंट में क्या क्या चीजें हैं जो आपकी चल रही हैं। सबसे पहली चीज है क्या आपका 3 USB पोर्ट, ठीक है, 3 USB पोर्ट जो कि आपका चल रहा है आज के टाइम पे। उसके अलावा क्या है HDMI, जो कि मैंने अभी आपको उसके साथ डिस्कस किया, क्या है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, तो ये क्या है मेनली ये मेरे ख्याल से प्रिंटर में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 3.5 mm का जैक, जो कि आपका ऑडियो के लिए ऑडियो पिन है ना, आपके हेडफोन में यूज होता है, ठीक है, तो ये वो हो गया। उसके अलावा फोर्थ क्या है हमारा 1 Ethernet पोर्ट, 1 Ethernet पोर्ट जो कि आपका इंटरनेट के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है इंटरनेट के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है आपका क्या 1 पावर कनेक्टर, एक पावर कनेक्टर आता है, ठीक है, पावर कनेक्टर आता है। उसके बाद एक लास्ट चीज है क्या कि भाई आपको अपने कंप्यूटर से PC से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करने हैं, लेकिन आपके पास एक कंडीशन आ जाती है कि भाई USB जो है ना आपके पास कितने हैं, 3 हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो आपके पास 3 स्लोट हैं USB के, तो आप 3 ही चीज क्या कर सकते हैं उसमें जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल ये सपोज करो देखो आप C टाइप हो रखा है हर चीज, है ना, C टाइप हो रखी है, मतलब USB डिवाइस जो है ना, USB जो स्लोट है आपके 3 है, लेकिन आपको चीजें क्या करनी है ज्यादा क्या करनी है कनेक्ट करनी है PC में आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं एक एक्सटेंशन ले सकते हैं ना, एक्सटेंशन USB डिवाइस या फिर हम बोल सकते हैं बोर्ड, ठीक है, USB डिवाइस या फिर बोर्ड, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, देखिएगा आपके पास 3 स्लोट गिवन है, ठीक है, तो जो हमारा एक्सटेंशन होगा उसमें क्या होगा, उसमें करीबन 4 पोर्ट 4 स्लोट और गिवन होंगे, ठीक है, और इसका जो केबल होगा वो एक उसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक USB से ये कनेक्ट हो जाएगा, किसमें, सपोज करो हमने थर्ड से कनेक्ट कर लिया, तो जहां आप पहले कितने
तीन डिवाइस को कनेक्ट कर सकते थे, वहीं अब आप कितने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। अब इसमें तो ये लग गया एक्सटेंशन, ठीक है, तो इसमें तो हमने ये जोड़ लिया, लेकिन अब इसमें कितने हैं, चार हुए हैं, ठीक है, तो चार ये और दो ये, तो अब आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइस कितने कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्स। अब आप छह डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, ठीक है। तो यही थी आज की कार्रवाई, आज की बातचीत, ठीक है। कल हम आगे बढ़ेंगे, एक एग्रीकल्चर की एक लास्ट क्लास है जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।